स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है या सभी को पता है कि हमारी पहली क्लास की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब हम आपके सामने लेके आए अपनी दूसरी क्लास, जिसका सिलेबस इस प्रकार है। हमने हिंदी में रखा है विशेष्य और विशेषण के बारे में, साइंस में रखा है साउंड और वेव्स के बारे में, मैथ में है जो एज पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और सामान्य अध्ययन में रखा है उत्तर प्रदेश, और रीजनिंग में दिशा और प्रतिबिंब के बारे में, डायरेक्शन और इमेज। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं रीजनिंग की क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा डायरेक्शन और जो आपकी वाटर इमेज और मिरर इमेज जो बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज की। तो जैसा कि आपको पता है कि जल में जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, उल्टी बनती है। जैसे जैसे मैंने आपको बनाया पी, तो ये पी आपको दिखाई दे रहा है कि ये उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। समझ में आया आप लोगों के? एग्जाम में पूछ लेता है कि जल में जो बना प्रतिबिंब किस तरीके का आपको आकृति देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी आकृति जल की है, तो आप बता सकते हैं जो उसका बिल्कुल इस तरीके से उल्टा है तो वो क्या है, जल प्रतिबिंब है। अब बात करते हैं दर्पण इमेज की। दर्पण इमेज में जो हमारा इमेज बनती है वो हमेशा इस तरीके से बनती है, जैसे कि हमारा बाया है वो दाया दिखाई देता है, मतलब अपोजिट दिखाई देते हैं एक दूसरे के। जैसे कि मैंने इसी पी को लिया है और वो देखा कि इस पी का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये वाली साइड उसके इस वाली साइड के सामने है, तो जो दर्पण में जो इमेज बनेगी वो उसके अपोजिट बनेगी। तो ये हुआ हमारा जल का इमेज और ये हुआ दर्पण का इमेज। अब इसमें से ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, ये सबसे ज्यादा ये कि जो हमारे पास घड़ी होती है, घड़ी की सुइयों के बारे में पूछेगा। जैसे आपको टाइम दिया होगा, दे देगा कि वो 10:45 पर किसी घड़ी में 10:45 हुए हैं, और पूछेगा कि ये बताइए इसकी जल दर्पण में क्या स्थिति होगी। तो जब ये दर्पण की स्थिति पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अगर ये टाइम 12 से कम है तो इसको हम माइनस करेंगे 11.60 से, मतलब 11.60 में से इसको माइनस कर देंगे। कैसे लिखा हमने 11.60 और नीचे लिखा 10.45, इसको माइनस किया तो उसकी इमेज क्या आएगी, उसमें इमेज बनेगी 1:15। इसी तरीके से यदि टाइम 12 से ज्यादा है, मतलब आपको दे दिया 13 बता दिया या 14, जो रेलवे में जो होता है टाइमिंग 24 आवर्स का दिया होता है, अगर उस तरीके से पूछा तो आप किसमें से माइनस करेंगे, 23:60 में से माइनस उसको करेंगे, तो आपका जो वाटर इमेज है वो उसमें आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किसमें से घड़ी की सुइयों का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाएगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर 12 से कम बजे हैं तो 11.60 में से माइनस करेंगे, अगर 12 से ज्यादा बजे हैं तो 23:60 में इसको माइनस कर देंगे। ये तो हुआ दर्पण की बात। अब जल प्रतिबिंब देखते हैं, अगर उस घड़ी की सुइयों को अगर हम जल में देखेंगे तो क्या किस तरीके का टाइम आएगा। तो इसके लिए भी एक इजी ट्रिक है, आप उसको माइनस करेंगे 18:30 में से, किसमें से माइनस करेंगे 18:30। तो जैसे कि उसने बोला कि 10:45, तो देखिए अगर ये मान 30 से कम है तो इसको माइनस करेंगे 18:30 में से, अगर ये 30 से ज्यादा है तो इसको माइनस करेंगे 18:90 में से। समझ में आया आपके किस तरीके से माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हुए हमारे दर्पण से और जल से, सिर्फ इतना ही जल और दर्पण से पूछा जाता है। और एक और आसान ट्रिक, जब आपके एग्जाम के पेपर में ये आकृति दी हो तो उसके ऊपर आराम से पेन को घुमाइएगा और पेज पलट के देख लीजिएगा, वो आकृति आपके सामने आ जाएगी। तो दर्पण और जल आपके समझ में आया होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में गया, अपने बाएं मुड़ा है, उसके बाद दाएं मुड़ा है या किस दिशा में है, या पूछेगा कि एक व्यक्ति अपने दाएं दिशा में गया है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसके बाद वो 20 किलोमीटर बाएं चला गया है, तो अब किस दिशा में टोटल दूरी कितनी तय की है। या पूछ सकता है कि सूर्य उदय के समय जो परछाई की स्थिति होगी किस तरीके की होगी, या पूछ सकता है सूर्य अस्त के समय छाया की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिशाओं के बारे में। जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं, उत्तर ऊपर, उत्तर उत्तर के नीचे दक्षिण, इधर पूरब और पश्चिम, इनके बीच में अगर देखा जाए उत्तर और पूरब के बीच में पड़ता है उत्तर पूर्व, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में पड़ता है पश्चिम दक्षिण पश्चिम,
और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में पड़ता है उत्तर पश्चिम, और इसमें देखेंगे दक्षिण और पूरब के बीच में क्या पड़ता है, पूरब ये दक्षिण पूर्व पड़ता है। तो हमें दिशाओं के बारे में सभी लोगों को पता होता है कौन सी दिशा में क्या पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य साइन बनाया जाता है, हमारे घरों में बना हुआ होता है, उसको बना लीजिए अपनी कॉपी पे। पहले हमने स्वास्तिक का साइन अपनी कॉपी पे बनाया इस तरीके से। अब उसने कोई भी हमसे डायरेक्शन बोला कि संजीव है, जो संजीव पहले उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा में वाले वाले बोला उसको दाएं मुड़ता है। तो ध्यान रखो ये जो उसकी सारी डायरेक्शन है दाएं में, अगर उत्तर दिशा में जाता है तो दाएं इधर मुड़ेगा, अगर वो अपनी पश्चिम दिशा में जाता है तो दाएं इधर मुड़ेगा, अगर पूरब दिशा में जाता है तो दाएं इधर मुड़ेगा, और अगर वो दक्षिण दिशा में जाता है तो दाएं इधर मुड़ेगा। सिर्फ एक आकृति को आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए कितनी जल्दी होता है, संजीव उत्तर दिशा में गया और वो अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं का हमें सिर्फ पता है दाएं इधर मुड़ता है, हम तो लगे बाएं इधर मुड़ा, उसके बाद उसने बोला वो अपने दाएं मुड़ा, दाएं हमें पता है ये ऊपर मुड़ेगा, फिर बोला उसने बाएं मुड़ा, हमें इतना पता है जब कोई उत्तर दिशा में जाता है तो दाएं इधर पड़ता है और बाएं इधर पड़ता है। तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, माना हमने देखा कि मान लीजिए संजीव है 10 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर दिशा में अपने बाएं मुड़ा, तो ये उत्तर दिशा में गया अपने बाएं मुड़ा, हमें पता है कि हमने दाएं का हमारे सामने चित्र बना हुआ है, सिर्फ इसके अगर बाएं मुड़े तो बस थोड़ा सा उसके अपोजिट जाना है, तो उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा के बाद अपने बाएं मुड़ा, क्योंकि हमें पता है स्वास्तिक जो दिखा रहा है दाएं इधर है तो उसके अपोजिट बाएं उधर होगा। समझ में आया आप लोगों के, कुछ भी हो इस साइन को बस थोड़ा सा याद रखें। और एक और बात, जब आप कॉपी पे बनाएं तो दाएं इस तरीके से बनाएं, अगर इस तरीके से बनाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाएं का क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक ही आकृति को ध्यान रखेंगे और किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुट अप किया जाएगा, तो हम इजीली उसको बता सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आकृति में कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा में गया, मतलब पहले पूरब दिशा में गया, पूरब दिशा के बाद वो उत्तर दिशा में चला गया, अब ये पूछ लेगा कि उसके प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु में दूर डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हमसे पूछेगा। तो एक पाइथागोरस नाम एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक थ्योरम दी थी कि जो कर्ण होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण, इस कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लीजिए ये क्या है आधार और ये क्या है लंब, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये 20 है, ये हमें निकालना है, ये 15 है और ये 20 है, ये निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 225 प्लस 625, तो कितना हो गया कर्ण 25। अगर इस तरीके की कोई आकृति बनती है और डिस्टेंस पूछी जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और दाएं बाएं अगर पूछता है तो स्वास्तिक के द्वारा इसको दाएं का चित्र बना के इजीली किसी भी दिशा में मुड़े, बिना ऐसे याद रखे कि भाई मेरा दाया इधर बनता है मेरा बाया इधर बनता है, तो उस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा आसान करने और आसान नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक साइन एक ही चिन्ह के एक ही चित्र बना के आप उसको टोटल कोई भी दिशा में मोड़ रहा है आसानी से उसको मोड़ सकते हैं। तो ये बात हुई इसके टाइप वन की। और अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग में भी हो जाता है। जैसे कुछ पूछा गया है आपका कि सूर्य उदय के समय परछाई की स्थिति क्या होती है। जैसा कि हमको पता है कि सूरज किस दिशा में उगता है, पूरब दिशा में आता उगता है। तो हमेशा याद रखिए अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा में अपना मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा उसके अपोजिट बनेगी, अर्थात पश्चिम दिशा में बनेगी। समझ में आया, पूरब दिशा में खड़ा है तो पश्चिम दिशा में बनेगी। अब बात आती है अगर वो पश्चिम ही दिशा में खड़ा है, जब वो पश्चिम दिशा में खड़ा है तो उसकी जो आकृति बनेगी उसके सामने बनेगी। क्या बताया मैंने, अगर वो पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है तो आकृति पश्चिम दिशा में बनेगी, अगर वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो आकृति बनेगी, जो उसकी परछाई बनेगी, वो बनेगी पश्चिम ही दिशा में, क्योंकि सूरज का प्रकाश उसके पीछे से पड़ेगा, पीछे से पड़ेगा तो परछाई उसके आगे बनेगी। ये तो हुई दोनों के अपोजिट डायरेक्शन। अगर जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है या दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो देखिए दाएं बाएं ध्यान ना रखते हुए छोटी सी बात ध्यान रखिए, जिस दिशा में सूरज निकला हुआ है
उस दिशा में कभी भी उसकी परछाई नहीं बनेगी। अगर वो उत्तर दिशा में भी खड़ा है तो उसकी परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, और दक्षिण में भी खड़ा है तो उसकी दिशाएं पश्चिम ही दिशा में बनेगी। बस ये हो जाता है कि भाई उत्तर में खड़ा है तो उसकी परछाई उसके बाईं तरफ बनेगी, ये उसका बाया है उत्तर दिशा में खड़ा होता है, और अगर दक्षिण दिशा में खड़ा है तो उसके दाईं तरफ बनेगी, दक्षिण दिशा में खड़ा है तो उसके दाईं तरफ बनेगी, और उत्तर दिशा में खड़ा है तो उसके बाईं तरफ बनेगी। या ये भी बात दाएं बाएं तो छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो परछाई है वो कभी भी जहां सूरज उगा है उस दिशा में नहीं बनेगी। समझ में आया कि सूरज जब उदय होता है अगर वो व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है तो परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, यदि वो पश्चिम दिशा में खड़ा है तो उसकी परछाई उसके सामने बनेगी, यदि वो उत्तर दिशा में खड़ा है तो उसकी भी परछाई पश्चिम ही दिशा की तरफ बनेगी, अगर वो दक्षिण दिशा में भी खड़ा है तो भी पश्चिम दिशा में बनेगी, क्योंकि हमेशा परछाई उस तरफ बनती है जिस तरफ सूरज नहीं निकलता है या सूरज नहीं डूबता है, मतलब अस्त होता है। ये तो बात हुई सूर्य उदय के समय परछाई की स्थिति। अब बात करते हैं सूर्य अस्त के में, सूर्य अस्त के समय छाया की स्थिति क्या होगी। जैसा कि हमको पता है सूरज जो उदय हो, सूर्य जो उदय होता है पूरब में होता है, जो अस्त होता है वो पश्चिम में होता है। तो जब सूर्य अब हम पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े, पश्चिम की दिशा की तरफ हमारा मुंह है, तो जो हमारी परछाई जो पड़ेगी वो पूरब दिशा में होगी, मतलब उसके अपोजिट होगी। जैसे अगर हम पूरब की तरफ ही खड़े हैं तो हमारी जो परछाई बनेगी वो हमारे सामने बनेगी। समझ में आया कि अगर हम सूरज की दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो परछाई उसके अपोजिट बनेगी, अगर हम उसके अपोजिट ही दिशा में खड़े हैं मुंह करके तो जो हमारी परछाई है वो हमारे सामने बनेगी। अब बात करते हैं यदि वो व्यक्ति उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो परछाई किस तरीके से बनेगी। एक मोटे तौर पर याद रखो कि परछाई हमेशा उस तरफ बनेगी जिस तरफ सूरज नहीं होगा, अर्थात परछाई किधर बनेगी, पूरब की ओर बनेगी। ये भी कह सकते हैं अगर उत्तर दिशा में खड़ा है तो परछाई उसकी दाईं ओर बनेगी, और दक्षिण दिशा में खड़ा है तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगी। समझ में आया सूर्य उदय के समय परछाई की स्थिति कैसे पता लगाएंगे, सूर्य अस्त के समय परछाई की स्थिति कैसे पता लगाएंगे, यदि हमें दाएं बाएं कोई व्यक्ति मुड़ रहा है तो कैसे पता लगाएंगे। स्वास्तिक का साइन बनाइएगा, जैसे जैसे वो कह रहा है उस तरीके से मुड़ते जाइएगा। उसके बाद एक और बात आती है, कभी कभी पूछ लेता है कि दोपहर के 12 बजे जो छाया की स्थिति कैसी होती है। तो दोपहर के समय जो दोपहर जो होता है उसके जो समय जो छाया की पड़ती जो आपका वो परछाई बनेगी वो कभी भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है उस समय पृथ्वी पर सीधी आती है जिस कारण उसकी परछाई नहीं बनती है। तो हमने जाना कि जल के प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, अगर घड़ी में प्रतिबिंब घड़ी की सुइयां देखें जल प्रतिबिंब में तो किस तरीके के शो करती हैं, या हमने देखा कि दिशा के सवाल को दाएं बाएं को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या सूर्य उदय के समय परछाई की स्थिति, या सूर्य अस्त के समय परछाई की स्थिति, और या 12 बजे छाया की स्थिति क्या होगी। तो यही दो टॉपिक थे जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाते हैं, 5 या 4 मिनट के दोनों चैप्टर्स होते हैं जिसको हम इजीली समझ सकते हैं और सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।